चींटी क्यों काट रही है? अरे बाबा रे वो नहीं, हुश हुश हट जा काले कौवे, बता रहा मैं छू भी लिया तो तुम्हें पुंगी बजा दूंगा। घटिया कहीं के मुझे खा रहे थे, जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। अब मैं आजाद होकर हल्की बैंड बजवा दूंगा, अभी जा रहा हूँ एवेंजर हेडक्वार्टर, उनकी शिकायत दर्ज करवाऊंगा। हाँ ये मालगाड़ी आ रही है, इसी में चढ़ आता हूँ। चलो जल्दी चढ़ जा, निकलना चाहे। आ चढ़ गया, चलो जल्दी से पीछे की साइड चलाता हूँ, ड्राइवर मुझे देखना ले। आज तो उस हल्की पुंगी बजवा कर ही रहूंगा मैं। हाँ तो सुअर जैसी शकल के, जल्दी से सच बता तू वहाँ क्या गड़बड़ कर रहा था? अल्ले छोड़ दो, मैं तो साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा था बस। आए भाई ये न माने लातों का भूत है। देख बेटा प्यार से पूछा, मैं जल्दी बता दे आखिरी बार क्या कर रहा था तू? बता दूँ मालोगे तो नहीं छोड़ दोगे ना फिर? हाँ छोड़ दूंगा, पहले अपनी बात सुनो। हाँ ये भी बताइए सुअर ऐसी शकल क्यों है तेरी? साथियों मेरी किस्मत खराब है, मुझे सरकार के लोग किडनैप करके एक्सपेरिमेंट करने ले गए थे। क्या सरकार के आदमी, उन्होंने करा ये सब? हाँ तेरा सुअर से कॉम्बिनेशन? हाँ उन्होंने कराये, और ये सुअर नहीं सूरी का मुँह लगाया मेरे ऊपर। तूने जरूर उनसे पंगे लिए होंगे? हाँ मैंने बस नासा की सैटेलाइट हैक की थी, उसके बदले मैंने किडनैप करके ले गए, ये सजा दी थी और मेरी फैमिली भी मार दी। अच्छा ये कहानी तेरी, ठीक है अच्छा लगा सुन के। अल्ले क्या करो, मुझे क्यों मालूम मेरी क्या गलती है? तुमने कहा था सच बता दूंगा तो छोड़ दोगे। क्या क्या भाई बुद्धि सन की हुई है तेरी, कहानी में दम है तू छोड़ने लायक है, लेकिन तूने जो हम पे जहरीली गैस फेंकी थी उसके हिसाब से तू मरेगा अब। आप प्लीज मत मारो मुझे, छोड़ दो। हाँ ससुरा हमें बेहोश करेगा, इसकी आखिरी इच्छा पूछ लो भाई। हाँ तो कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ बस तुम दुनिया को बता देना मैं गोजिला मैंने बनाया था। अभी मैं गोजिला क्या है? तुम बस बता देना महान मशीन मैंने बनाई थी। हाँ हाँ बता दूंगा, चलो अब निकल यहाँ से। हाँ सही फैक्ट है भाई, ज्यादा हीरो बनना था। अलविदा दुनिया वालो। चलो खत्म इसी कहानी, जैसा करेगा वैसा भरेगा, चलो कि आ जाओ। हाँ भाई चलो। ये क्या सुनी मैं एंटमैन, तुम मेगा गोडजिला से अकेले भिड़ गए सबको बचाने के लिए? हाँ उस गंभीर स्थिति को मैंने अकेला हैंडल करा। यार तू तो सच में बहुत बहादुर है। हाँ सच्ची में निडर साहसी, बहुत बहादुर है। ओए तुरुक 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 ता दा दा हट जाओ रे बाबा। ओ यार इसकी आदत अभी तक वापिस नहीं आई। मुझे तो यकीन नहीं होता इतना महान इंसान ऐसी हरकत कर सकता है। झिंगला लहू चढ़ो ऊपर। अरे मरने तो जो करा करने दो। हाँ इसे खुला छोड़ दो, जो करा करने दो। आलू ले लो कांधे ले लो। हाँ कैप्टन वो जल्दी रिपोर्ट दो इसी वक्त, क्या वो मास्टरमाइंड वहाँ पर है? अबे ठंड रख ले यार, जा तो रहा हूँ, पूरा इलाका घेर लिया, बक थोड़ी जाएगा वो। हाँ दिखते तुरंत दबोच लो उसे, वो बहुत जीने से कुछ भी बना सकता है। हाँ इतनी बड़ी मशीन बनाई उसने। अरे हाँ हाँ ऐसी कोई गन और टोपी जो कैप्टन को मार दे। कैप्टन घुस रहा है जोश में अंदर। हाँ तो मास्टरमाइंड कहाँ है? हाँ क्या हुआ है वो, वहाँ जल्दी अपडेट दो। पता नहीं कैप्टन भैया कब आएंगे, तुम सब नजर पहले रख रहे हो, भगना नहीं चाहिए। अबे टोनी यहाँ तो कोई भी नहीं है, कुछ मशीनें हैं बस। ओए कहाँ है वो, बहुत इंतजार करा लिया तुमने, कहाँ छुपा वो कमीना? अरे मेमा थम जा रुक जा, भाग गया वो शायद यहाँ से, लेट हो गए हम। ये क्या बोल रहे हो, ये क्या कह रहे हो कैप्टन, तुम लेट कैसे हो गए? भैया तूने लेट भेजा, मैं बाहर में फोन काट रहा हूँ। ये क्या फोन काट दिया, क्या हुआ मिलानी क्या वो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ नाना तुम गुस्सा मत करो, हाथ जोड़ रहा हूँ, वरना तुम पावरफुल एवेंजर है, हमारी ऐसी हो जाएगी। मुझे मारने तो जीनियस को जिसने इतनी बड़ी मशीन बनाई। अरे मारने और देखने तो वो सब भी आए थे, उन्हें क्या जवाब दूंगा अब मैं, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। थैनोस अब क्या कर सकते हैं, वो तो मिला ही नहीं हमें, कैसे ढूंढूं कुछ आइडिया दो। देख लो यार तुम्हारी दुनिया का बंदा है, भाई का होता तो मैं सोचता, इतनी टेक्नोलॉजी है ढूंढ लो। हाँ यार छोटा मोटा है, पकड़ के ढूंढ के मार दो। हाँ इतना भी नहीं कर सकते हम, बड़े योद्धाओं को तंग कर रहे हो। हाँ ठीक है तो मैं कर लूंगा। केटोस तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं बस हल्का दर्द हुआ पेट में, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओ अच्छा भुने हुए सुनो, केटोस का ध्यान रखना। अरे क्या चल रहा है, क्या वो दाढ़ी वाले को, हमें भी इन्फॉर्मेशन दो। अरे केटोस यार तुम भी बोतल पियोगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो यही होगा, देख नहीं रहे अपनी हालत पहले कैसे थे तुम बॉडी बिल्डर। हाँ सही कह रहा, मैं दोबारा चेंज होऊंगा। चलो बढ़िया थी तुम्हारी कहानी, ऐसे बहादुरी के काम करते रहे करो। जल्दी उठाओ इसे। अरे यार ये भी पता नहीं कब आएगी इसकी याददाश्त वापस। देख क्या रहो जल्दी उठाओ। ओ वो देखो कैप्टन भैया बाहर आ गए। कैप्टन मिला नहीं क्या वो? ना यारो भग्गा वो हाथ से निकल गया, हम लेट हो गए। ओफ अपुन ने तो पहले कहा था मेरे साथ बैठ कर चलो, पूरी पलटन के चक्कर में लेट हो गए। हाँ सबरे के सबरे एक संग भगेंगे। कम बोलो हम टीम है, एक साथ जाएंगे, तुम्हें क्या है? हाँ कुल्हड़ी वाले भाई साहब ने सही कहा। हाँ वी आर फैमिली। हाँ तो ले लो बाबा जी का ठुल्लू, भग गया हो, बकवास कर रहे हो। अरे भाई क्यों आपस धारी में बहस कर रहे हो? ऐसा तुम होते कौन बोलने वाले, आप तुम कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, सिर्फ नाम के कैप्टन हो। अरे
क्या भाई, लोग लड़ो मत, भग गया तो भगने दो। हाँ रहने दे, बक बक मुंह चला रहा है। भूल मत तेरा हथौड़ा मेरे कब्जे में, दम हो तो खींच के दिखा दियो। आपे जीती। ओ तेरी तो नहोड़ा, तू चुप, आग लगा रहा है। मैं तो बस मजे ले रहा था। ओए अपने फालतू ड्रामा करके कहाँ चल रहे हो? नहीं वैसे गुस्सा आ रही है। तो मैं तभी बताते हम रुको। अच्छा तू मुझे हाथ ही लगा दे। अरे नहीं नहीं भाई लोग, आपस में मत गुथो। हाँ होगी मजेदार फाइट, मैं कैप्टन के साथ हूँ। बस बहुत हुआ ड्रामा, बंद करो ये सब। ओए वंडा कूल डाउन क्या कर दिए? मैं ट्रक से नीचे गिर गया। वंडा पुन्ने क्या करा, पुन को तो उतार दो। कूद जा बाइक से। नहीं अपुन अपनी बाइक नहीं छोड़ेगा, फैमिली टाइम नहीं लाया है। बस बहुत हो गया, सारा गुस्सा मैं वहाँ ऊपर निकालूंगी। सब पैदल जाएंगे आज घर। आप उन मजे पर बाइक नहीं छोड़ेगा, सब नष्ट कर दूंगी। ओ वंडा पागल हो गई है। आ उतर गया, जल्दी से भाग जाता अपन अपनी बाइक लेके। बड़ी मेहनत से बनवाई अपन ने। हड्डी ठीक है तू? ट्रक का कुंदा लग गया। ओ वंडा पागल हो गई तू, क्या मिला तू ये सब करके? दिमाग की शांति। पूरा भैया तुमसे तो दूर रहना पड़े करेगा। आ जाओ फुटलोब, डोंट एंग्री मी अगेन। पूरा भैया ने तो नाश कर दिया। और थोर वगैरह कहाँ गए? थोर अपने चुनिंदा मित्रों को कुल्हाड़ी पे लटका कर ले गए। अच्छा रुक मैं अभी हथौड़ा खींचता हूँ। आए दोस्त, रोशनी तो जानी पहचानी है। ये तो इस गाड़ी के लगते ऑर्डिनरी है। तो मैंने क्या कुछ मिस करा? अरे तो हेला है। ये दूसरा कौन है? दोस्तों इससे मिला, ये हैमडल, ये इस गाड़ से। क्या हैमडल? हाँ लड़को, आई एम हैमडल। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम सबको जानता हूँ। मेरी आँखों में सब दिखता है मुझे। हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन हो, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और थैनोस मैन, देखा तुम कैसे बुरे से अच्छे बन गए। अच्छा तुम्हें सब दिखता है, कुछ हमारे बारे में बताओ। तुम्हारी खुद की दुनिया का तो पता नहीं, वो दूसरे डायमेंशन में। पर तुम जब से आयो मैंने सब देखा, कैसे तुम्हें ब्लैक होल से निकाला फेंका। अरे बंदा तो काम का है, पर ये एस्गार्ड का रक्षक है, ये चला जाएगा क्या? अरे यार मैंने सोचा इसे भी रख लेंगे एवेंजर में। तुम बताओ हेला कहाँ भाग जाती हो बीच बीच में, बता के क्यों नहीं जाती? हमें कैसे पता लगेगा तुम खतरे में हो या नहीं? क्या काले दैत्य? हाँ सबको फोड़ कर आए हैं। क्या हुआ, किसको फोड़ कर आए हो? और तुम आ गई? हाँ मैं आ गई, कुछ जरूरी काम से एस्गार्ड गई थी। हाँ फिर काले दैत्य को मारने। अरे क्या बातें कर रहे हो अंदर, हमें खाना फेंको बाहर, भूख लग रही है। अरे कैसे चिल्ला रहा कोंग बाहर से? कुछ नहीं उसे इग्नोर करो, सारा राशन खा गया, भूख रहने दो आज इसे। अच्छा। अरे पगलो क्या करो, मैं सुनाई नहीं दे रही, हम बता रहे दहा देंगे मकान। अरे बंदा क्या है, पागल हो गया क्या? अरे कुछ नहीं करेगा, बोल बच्चे ने, बोलने दो इसे। आयरन मैन के अंदर आने की परमिशन है। अब ये कौन है भला? अरे ये तो अपने कर्मचारी है, आ जाओ भाई अंदर। शुक्रिया आयरन मैन अंदर बुलाने के लिए। क्या हुआ, काम पूरा हो गया? हाँ सर काम पूरा हो गया। अरे किस काम की बात कर रहा है? काम कैसा काम? अरे दोस्तों मैंने बंकर बनवाया एवेंजर हेडक्वार्टर में, ताकि कमजोर एवेंजर्स मुसीबत के वक्त वहाँ छुप जाएं। अच्छा कहाँ, कैसे बनवाया, दिखाओ। हाँ चोरी छुपे बंकर बनवा दिया, बताया भी नहीं। हाँ दिखाता हूँ, चलते हैं। हे सुनो, तुम्हारे बॉस पर रोकड़ा पहुँच जाएगा, जाओ अब। अच्छा ठीक है आयरन सर, हम जा रहे हैं। चल पांडू चल। हाँ चलते हैं, रोटी खाएंगे घर जाके। अरे बंकर बनवाया तो हमें बता तो देते, छुपाई क्यों ये बात? अरे दोस्तों मैं नहीं चाहता था कर्मचारी एवेंजर्स को देख के होपलेस हो, इसलिए चोरी छुपे मैंने तीनों दिन में रातों रात बनवा दिया। अच्छा ऐसा है, चलो तो दिखा भी दो कहाँ बनवाया। हाँ दिखाता हूँ, आ जाओ तुम लोग खुश हो जाओगे। बहुत ही सीक्रेट जगह पे बनवाया मैंने। तो ये है तुम्हारा बंकर? हाँ तेरे से ही पाइप है, इसके अंदर घुस के नीचे जाओ, तुम बंकर में पहुँच जाओगे। देखने में तो अच्छा लग रहा है, नीचे आके पता लगी कैसा है। नहीं ये तो छोटा रास्ता है, मैं तो घुस भी नहीं पाऊंगा। सॉरी दोस्त, मैं बड़ा बनवाता तो दिख जाता, तुम बंकर में नहीं जा पाओगे। तुम मुझसे चिढ़ते हो, मुझे मरवाना चाहते हो दुश्मन के हाथों। तो रोने लग गया। रो मत मेरे दोस्त, तुम्हारी रक्षा का जिम्मा मेरा है, घबराओ मत। नहीं तुम तो रह नहीं दो, तेरे जी एंड टाइम पे धोखा दे देते हो। नहीं पहले जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे याद है एक बार सुनामी आई थी, तुम मुझे छोड़ के भाग गए थे। अरे क्या नाम है, तुम कहाँ को जा रहे हो? हमारा खाना पानी कौन करेगा, भूखे। लो आ गए चाटल, दिमाग चाटेगा। अरे कौन तुम यहाँ गए? हाँ तुम्हारा राशन पानी आ रहा है, तुम चिंता मत करो। हम बता रहे भूखे, जल्दी मंगवा हमारा खाना। हाँ चिंता मत करो, शाम तक तुम्हें खाना मिल जाएगा। चलो दोस्तों अंदर चले। हाँ चलो अंदर, यार बंदे पका रहा है। हाँ ढोल गई का सब खा गया, कुछ तो छोड़ा नहीं, और लाओ इसे। छोड़ो दोस्तों, आज अंदर बंकर में चले। भाड़ में जाइए, हम भी सहाय की तरफ जा रहे हैं, ये भूखा मार देंगे। तो वीडे कूद के जाओगे, यहीं पे लैंड कर दूं। ओए नाना लैंड कर दे, जस्ट से छोड़, कूद कूद नाली में। अरे मैं तो बस पूछ रहा था, तुम्हारे ऊपर एक्शन सवाल रहता है ना हमेशा। नाना चुपचाप बता दे बाहर में गए एक्शन, मुझे बस अपनी टीम के पास सही सलामत छोड़ दो। अरे हाँ लो पहुंच गए एवेंजर हेडक्वार्टर, उतरो। ओए कोई गेट है नाना, गेट पे छोड़ मुझे। अरे लो यार ब्लैक वीडो गेट पे छोड़ दिया, इस छोटे से प्लेन की जान लोगी क्या? अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं टोनी से मिलकर जाऊंगा, कुछ काम है मुझे। अच्छा। अरे गेट वीडो दी थी, वीडो दी थी। अरे ये कहाँ घूम रहा है, क्या हो जाएगा?
सैटेलाइट पे क्यों भाग रहे हो? वीडा दीदी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है, मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ। हमला किसने करा तुम पे हमला, उसका नाम बताओ। वो दोनों के दोनों हरकल लौकी, उन्होंने मुझे मारा बांध के लटका दिया कौओं को खिलाने के लिए, तपती धूप पे वो भी। क्या इतना बुरा करा उन्होंने, अभी टोनी को बताती हूँ। अरे बाप रे, ये क्या था? ओह माय गॉड, ये कैसे टपकी? लगता है आस पास कोई खतरा है। खतरा? क्या सा खतरा? ये मैडम ऊपर से गिरी है, ऊपर देखता हूँ। ओह माय गॉड, अब वो कौन है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब चीज है वहाँ पहाड़ के ऊपर। मुझे लगता है अंदर जाके हमें बाकी को